आज की ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे है। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि फेस पे होने वाले टाइनी बम्स का इलाज कैसे करें, यानी कि फेस पे जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जिन्हें हम एक्ने या पिंपल समझ के छोड़ देते हैं, हमें लगता है अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो धीरे धीरे करके हमारे पूरे फेस को कवर कर लेते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है अगर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फेस पे होने वाले छोटे छोटे दाने, जिन्हें हम टाइनी बम्स बोलते हैं, यानी कि स्मॉल बम्स, डॉक्टर उन्हें मीलिया या फिर एलर्जी की तरह देखते हैं। और डॉक्टर भी सबसे पहले आपको घरेलू होम रेमेडी ही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम उससे ठीक हो जाती है तो आपको मेडिसिन या फिर प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। सो आज यहाँ पे मैं आपके साथ 3 इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। पहली जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दूसरी जो कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, और थर्ड जो कि हमारा पुराना घरेलू नुस्खा है जिसे हमारी दादी और नानी फॉलो करती थी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, हम हमेशा मीलिया, एक्ने और पिंपल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो पिंपल और एक्ने पे मैंने सेपरेटली वीडियो बना दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी सिर्फ मीलिया की। देखिए मीलिया छोटे छोटे दाने होते हैं जो कभी हमें एक दो की क्वांटिटी में नजर, कभी कभी ह्यूज क्वांटिटी में भी नजर आते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे हमें दाने दिखाई देते हैं। लेकिन एक्ने और पिंपल को हम पॉप कर सकते हैं, जब हम इन्हें फोड़ते हैं तो उनमें से पस या फिर ब्लड निकलता है, हम इन्हें पॉप नहीं कर सकते। इसका रीजन है कि हमारी अपर लेयर पे नहीं, हमारे इनर लेयर पे होते हैं, यानी कि हमारी स्किन की अंदर वाली लेयर, डर्मिस लेयर पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ना इनमें कोई पेन होता है, ना कोई रेडनेस होती है, और ना ही इनसे कोई ब्लड निकलता है। लेकिन ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जो एक्ने और पिंपल होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाता है अगर आप इनका इलाज नहीं करते हैं तो। और ये अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं, यानी कि दूर से ही नजर आते हैं। तो कैसे इनका इलाज करना चाहिए, उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये कैसे फॉर्मेट होते हैं। देखिए जब भी हमारे जो पोर्स होते हैं ना, उनमें जो भी धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, बैक्टीरिया फिल हो जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, यानी कि जो आपके पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और वो धीरे धीरे धंसते चले जाते हैं आपकी डर्मिस लेयर पे, यानी कि वो आपकी इनर लेयर पे जाके फिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो एपिडर्म लेयर होती है, यानी कि अपर लेयर होती है, वो उसको अच्छे से कवर कर लेती है ऊपर से। तो आपके पोर्स का मुंह बंद हो गया और आपके वो जो दाने हैं वो आपके अंदर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूं इनकी रीजन की, जिन्हें लेकर आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, तो पहला रीजन हो सकता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ऑयली स्किन पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो जब ये ऑयल, धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन और बैक्टीरिया के साथ आपके पोर्स में फिल हो जाता है तो वो रिएक्शन करके वहां पे टाइनी बम्स में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है व्हाइट हेड की प्रॉब्लम, अगर आपके फेस पे व्हाइट हेड लाइक ज्यादा क्रिएट होते हैं तो भी ऊपर से उनका मुंह जब बंद हो जाता है तो वो नीचे नीचे आपके टाइनी बम्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि अगर आपकी स्किन किसी भी टाइप के फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है तो। नेक्स्ट रीजन हो सकता है अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डेड सेल्स क्रिएट होती हैं तो भी आपको टाइनी बम्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आपके फेस पे एक्ने होते हैं, सम टाइम एक्ने की जो फॉर्मेशन होती है वो बीच में रुक जाती है, तो वो आपके फेस पे छोटे छोटे दानों में चेंज हो जाते हैं और आपके फेस पे नजर आने लगते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा लेक्चर क्यों, सीधा रेमडी भी तो बता सकती थी। इन रीजंस को बताने का मेरा पर्पस ये है कि सबका एक ही समाधान निकलता है कि आप अपने फेस को क्लीन रखें। 2 टाइम आपको अपने फेस को वॉश करना है किसी भी अच्छे क्लींजर से या फिर स्किन सूटेबल फेस वॉश से, जिससे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी, यानी कि आप इस प्रॉब्लम से सेफ रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी रेमडी की तरफ कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इसे कैसे क्योर करें। आज मैं आपके साथ यहाँ पे 3 इफेक्टिव रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। तीनों में से अगर आप एक भी रेगुलर बेस पे फॉलो करती हो तो आपको 7 डेज के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि समटाइम ये होता है मैं एक रेमेडी शेयर करती हूँ तो आपके पास वो इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास है आप उस रेमेडी को फॉलो कर सकते। पहली रेमेडी वो है जो कि मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी। तो यहाँ पे आपको 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल में ल्यूरिक एसिड होता है जो कि आपके फेस पे होने वाले, आपके पोर्स में होने वाले बैक्टीरिया को किल करता है। तो 1 टेबल स्पून आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल लीजिए।
नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं सिंगल विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि गुड प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो मेलिया और जो एक्ने की प्रॉब्लम है ना उसे रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आप ऐड करोगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एज अ गुड क्लींजर की तरह वर्क करता है। ये आपके फेस से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि बिग रीजन है आपके फेस पे टाइनी बम्स के फॉर्मेशन का। तो इसलिए आपको इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है एंड देन आप सिंपली हैंड से अपने इफेक्टेड पोर्शन पे अप्लाई करोगे। सपोज डेट आपके हेड पे हैं छोटे छोटे दाने, या आपके चीक पे हैं, या चिन पे हैं, या नोज पे हैं, जहां भी आपके जिस भी पोर्शन पे हैं आप उस पोर्शन को अच्छे तरीके से इस रेमेडी के थ्रू कवर करोगे एंड देन आप इसे ओवरनाइट के लिए लीव कर दोगे, यानी कि पूरी रात आपको ऐसे ही छोड़ देना है। एंड मॉर्निंग में आप देखोगे कि आपका फेस काफी रिलैक्स है, आपके फेस पे कोई ऑयल नहीं है एंड धीरे धीरे करके आपको ये प्रॉब्लम रिड्यूस होती दिखाई देगी। बस आपको इसे रेगुलर बेस पे नाइट में फॉलो करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही आसान और इफेक्टिव रेमेडीज है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो इससे अच्छा इलाज कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट रेमेडी वो है जिसके इंग्रेडिएंट हमें डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। पहला हमें लेना है 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसमें होता है मैग्नीज क्लोराइड। इट्स कैन लीड टाइनी बम्स, मेलिया, स्मॉल एक्ने एंड धीरे धीरे करके इन्हें रिड्यूस करता है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चुटकी भर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर में एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे फेस से डेड सेल्स को रिमूव करता है, यानी कि एज अ गुड एक्सफोलिएटर वर्क करता है एंड हमारे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड को रिमूव करता है, जो कि बिग रीजन है टाइनी बम्स के फॉर्मेशन का। एंड थर्ड हम इसमें ऐड करने वाले हैं ACV, यानी एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे फेस पे ऑयल को कंट्रोल करता है। आप जानते हैं कि ऑयल हमारे जब पोर्स में फिल हो जाता है तो वो हमारे टाइनी बम्स का, यानी कि छोटे छोटे दानों का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसे ये कंट्रोल करता है। साथ में जो पोर्स होते हैं उन्हें क्लीन भी करता है और फंगल इन्फेक्शन एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। यानी कि आपके जब पोर्स क्लीन होने लगेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेगी। अब आपको इस पेस्ट को अच्छे से रेडी करना है एंड देन आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे। सबसे पहले आप अपने इफेक्टेड एरिया को कवर करोगे, यानी कि जहां पे आपके टाइनी बम्स या स्मॉल जो दाने हैं वो ज्यादा मात्रा में है, पहले आप उसे अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। जिस एरिया पे भी आपके हेड पे हैं, चीक पे हैं, जहां पे भी है, वहां पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद देन आप अपने पूरे फेस को भी कवर कर लोगे, क्योंकि सेल्स तो हर जगह हैं और हर जगह आपका ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप पूरे फेस को क्लीन करना चाहते हैं तो आपको इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है एंड देन आप इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए लीव करोगे और 10 मिनट बाद आप अपने फेस को क्लीन कर लोगे। क्लीन होने के बाद आपका फेस काफी ब्राइटन अप लगेगा, आपका फेस काफी क्लीन नजर आएगा और हमारे फेस पे जो चिपचिपापन होता है वो भी दूर हो जाता है। एंड जब हम इसी रेमेडी को फॉलो करने लगेंगे रेगुलर बेस पे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारी दादी नानी, यानी कि हमारे पुराने लोग फॉलो करते थे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसन लेना है। बेसन एज अ गुड क्लींजर की तरह वर्क करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये आपके इंटरनली पोर्स को भी क्लीन करता है, साथ में बैक्टीरिया को भी किल करता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं चुटकी भर हल्दी, यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फ्री रेडिकल की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे टर्मरिक एज अ एंटी मेडिसिन की तरह वर्क करेगा। तो चुटकी भर आपको हल्दी ऐड करना है एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 लेमन जूस, यानी कि 1 टेबल स्पून लेमन जूस। देखिए लेमन जूस वैसे तो विटामिन सी का काम करता है, दूसरी चीज ये लिक्विड फॉर्म में है और ये आपकी इंटरनल लेयर पे जाएगा, यानी कि इनर लेयर पे जाएगा। तो इनर लेयर पे ही तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी इनर लेयर का क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वैसे विटामिन सी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, एक्ने, पिंपल एंड डेड सेल्स वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल माना जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा इसे यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है, पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करके रेडी कर लेना है एंड देन आप चाहे तो हैंड से या ब्रश के थ्रू अपने पहले अफेक्टेड एरिया को कवर करोगे, जहाँ पे ज्यादा ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है या जहाँ आपको ज्यादा दाने दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद पूरे फेस को कवर करने के बाद 10 मिनट ऐसे ही रखी एंड देन आप अपने फेस को ल्यूक वाटर, यानी कि हल्का सा गुनगुना पानी यूज करें। पहली वाली रेमेडी के साथ भी आपको ऐसे ही करना है कि हल्का सा गुनगुना पानी यूज करें अपने फेस को वॉश करने के लिए एंड देन पैट पैट करके अपने फेस को ड्राई करें।
तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड रेमेडी को या फिर आप फर्स्ट रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगती है, जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल है, मौजूद है, आप उनको यूज करके उस रेमेडी को क्रिएट करके यूज कर सकते हो। तो रेमेडी तीनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बस क्या है कि आपको रेगुलर बेस पे यूज करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझ पे बिलीव मत करिए, लेकिन आप इंग्रेडिएंट पे बिलीव कर सकते हैं। अगर हमने सही इंग्रेडिएंट को फॉलो किया है अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो उसका रिजल्ट मिलना हमारे लिए निश्चित है, क्योंकि मैजिक हमारे इंग्रेडिएंट में है, ना मेरी रेमेडी में है, ना ही मेरी बातों में है। तो इसलिए एज अ साइंस स्टूडेंट मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी हमारी बॉडी में या जो भी हमारी प्रॉब्लम के लिए इंग्रेडिएंट या फिर सप्लीमेंट की जरूरत होती है ना, जैसे कि बालों की प्रॉब्लम के लिए आयरन, जिंक, फैटी एसिड, ओमेगा 3, इन सब की नीड होती है। तो जब नेचुरल चीजों से हमें ये भरपूर मात्रा में मिलता रहता है, तो हमें मेडिसिन की कभी जरूरत ही नहीं होती है। मेडिसिन तो जब हम लेते हैं जब हमें इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए होता है, तो इस बेस पे उसे केमिकल तरीके से तैयार किया जाता है, तभी आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो पहले नेचुरल चीजों पे ध्यान दीजिए, और क्योंकि जितनी हेल्दी नेचुरल चीजें होती हैं उतनी आर्टिफिशियल नहीं है, इसके एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे आपको। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर है तो क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप अपनी प्रॉब्लम ही कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और दिल करे अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचफुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।